बोधि धर्म को चीन में जैन बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म लगभग 5वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में एक भारतीय राजा के तीसरे पुत्रों के रूप में हुआ था। अपनी युवावस्था में बोधि धर्म ने महल में उनके जीवन को अस्वीकार कर दिया और महायान भिक्षु बन गए। प्रजातंत्र उनके मुख्य शिक्षक बने। बोधि धर्म एक बुद्धिमान और दयालु भिक्षु बन गए। चीन में धर्म का प्रचार प्रसार करने की इच्छा से उन्होंने वहां एक मिशनरी के रूप में जाने का निश्चय किया। यात्रा बहुत लंबी और खतरनाक थी, लेकिन 3 साल बाद आखिरकार वो 527 में चीन पहुंच गया। दुर्भाग्य से चीन ने खुले हाथों से उनका स्वागत नहीं किया। चीनी सम्राट को प्रभावित करने में असफल रहे बोधि धर्म ने उत्तर की ओर शाओलिन मठ की यात्रा की। मठ में पहुंचने के बाद उन्हें प्रवेश से मना कर दिया गया था। अपनी शिक्षाओं में किसी को दिलचस्पी ना पाकर बोधि धर्म पास की एक गुफा में ध्यान करने में बैठ गया। वहां उन्होंने एक तीवर का सामना किया और उसके बाद 9 साल तक जुजेन का अभ्यास किया। भिक्षु बोधि धर्म के जुजेन के अभ्यास से इतनी प्रभावित हुए कि उन्होंने अंततः उन्हें मोनेस्ट्री में आमंत्रित किया और वहां शाओलिन मंदिर में बोधि धर्म ने उपदेश देना शुरू किया। वो चीन में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जैन स्कूल को परिभाषित करने वाले गैर क्रामिक प्रत्यक्ष दृष्टिकोण को पेश किया। और बोधि धर्म ने कहा कि शास्त्रों के बाहर एक विशेष प्रसारण शब्दों और अक्षरों पर निर्भर नहीं, और सीधी मन की तरह यानी कि सीधी मन की ओर इशारा करते हुए अपने वास्तविक स्वरूप को देखना और बुद्धत्व प्राप्त करना। और बोधि धर्म 150 वर्ष की आयु में चीन में निधन हो गया। हालांकि उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने मुख्य शिष्यों में से एक युवी को वंश की उपदेश दी। उन्होंने कहा कि ये जिन वंश की सरोवर का यानी कि शुरुआत का प्रतीक है, एक अखंड रेखा जो आज तक ये जिन स्कूल चीन में जारी है। और ये था भारत के महान बोधि धर्म गुरु की कहानी। अब लोगों को ये कहानी पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं आगे भी ऐसे अच्छा अच्छा वीडियो लेके डालता रहूँगा। और ये मेरे चैनल को देखते रहिए। मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।